अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं तबस्सुम हजन किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चिकन टिक्के की रेसिपी, जो कि बहुत ही अच्छे से मैं बनाना सिखाऊंगी आपको और बहुत ज़बरदस्त बन के ये तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। तो ये चिकन टिक्का मैं तंदूरी चिकन की तरह घर में ही आपको बना के दिखाऊँगी कि किस तरह हमारा तंदूरी चिकन का टिक्का जो हम बनाते हैं वो किस तरह से बनता है। तो चलिए बनाने चलते हैं। ये मैंने चिकन लिया है, ये मेरा 3 किलो चिकन है। मैंने धो के इसको बहुत अच्छे से रख लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये सफ़ेद सिरका। यहाँ आप अगर सफ़ेद सिरका नहीं हो आपके पास तो आप नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं। नींबू कम से कम इसमें 4 से 6 नींबू डालें कम से कम। और मैंने डाला नमक। अब मैं डालूँगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है। दोनों चीज़ मिक्स है, इसके 2 चम्मच भर के डालेंगे इसमें। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। खूब अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। सिरका मैंने अच्छा डाला है इसमें खूब। पहले मैं आपको दिखा चुकी हूँ, मैं कई बार डाल चुकी हूँ इसमें ये चिकन टिक्के की रेसिपी। तो वो चिकन टिक्का मैंने जो बनाया था वो साफ बोटी का और छोटी छोटी बोटियों के बनाए थे। ये अब मैं बड़ी बोटी और ये सारा जो नॉर्मल हमारा चिकन होता है कटा हुआ, मैं उन बोटियों से बना रही हूँ, ताकि आप जिस तरह का भी आपके पास चिकन है वो उस तरह से आप बना सकें। तो ये मैंने सब अच्छे से लपेट के रख दिया है इसमें। खूब अच्छे से मैरिनेट कर दिया है सिरका, नमक और अदरक लहसुन, और इसको मैंने ढक के रख दिया है। 15 से 20 मिनट, आधा घंटा कम से कम आप जो है इसको ढक के रख दें। अब आधा घंटे बाद मैंने इसको निकाला है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही। ये मैंने दही डाला है। आधा घंटा सिरका, नमक और लहसुन और अदरक हमने लगा के रख दिया था इसको। आधा घंटे बाद हम ये मसाले डाल रहे हैं। दोबारा से हम इसको सब चीज़ डालकर मिक्स करेंगे। ये मैंने दही डाला है इसमें, आधा किलो मेरा दही है, मैंने पूरा आधा किलो दही डाला है इसके अंदर। अब मैं डालूँगी इसमें मसाले। मसाले बहुत कम जाते हैं इसमें, ज़्यादा मसाले नहीं डलते। मैं इसमें ले रही हूँ मिर्च, लाल मिर्च ली मैंने, ये धनिया पिसा हुआ 2 चम्मच धनिया के, 2 चम्मच धनिया लिया है, 1 चम्मच लाल पिसी मिर्च है। आप जितनी मिर्च खाएं उसके हिसाब से डाल लें। ये मैंने पिसी खटाई लिए 1 चम्मच। ये मैंने लिया है गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला है 1/2 चम्मच। ये मैंने सूखी मेथी ली है, ये कसूरी मेथी है, इसको मैंने हाथ से मसल के डाल रही हूँ इसमें। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। अब मैं डालूँगी थोड़ा सा फूड कलर, जो चिकन टिक्के में डलता है डार्क ऑरेंज वाला, वो मैं इसमें डालूँगी। इससे बहुत अच्छा कलर आता है। अगर आप फूड कलर नहीं डालें तो आप कश्मीरी मिर्च डाल दें। बहुत अच्छे से मिक्स कर लें इसको, बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है, ताकि हमारे मसाले सब जगह अच्छे से लग जाएं। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। आप चाहें तो रात में भी इसको सब मसाले लगा कर रख सकते हैं। 4 घंटे बाद मैंने इसको निकाला है। देखिए कितनी अच्छे से मसाले बहुत अच्छे से लग चुके हैं, आपको देखने से अंदाज़ा हो जाएगा। अब मैंने ये सीख लिए, ये सीखें जो होती हैं चिकन टिक्के वाली, वही मैंने लिए। तो इसमें हम इस तरह से जितनी आपकी सीख में जितना आप लगा सकें इसमें उसे उसी हिसाब से सीखों में लगा दें। मेरी सीखें जो है ये बड़ी 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 वाली हैं और मैं ज़्यादा बना रही हूँ, तो इसलिए ज़्यादा ज़्यादा लगाऊँ। ये आज मैं ज़्यादा बना रही हूँ, मेरे यहाँ गेस्ट आ रहे हैं तो उसके हिसाब से बना रही हूँ। और मैं ये 4 सीखें ली हैं, 1.5 से 2 किलो 4 सीखों में ये गोश्त आ जाएगा। इतना अच्छे से मतलब भर भर के लगा रही हूँ मैं, ताकि एक ही बार में अच्छे से आधा गोश्त मेरा एक ही बार में इसमें अच्छे से सीख जाए। तो मैं 4 सीखों में बहुत अच्छे से लगा दूँगी, फिर बाकी जो रहेगा वो मैं बाद में सेकूँगी। देखिए 4 सीखें मेरी तैयार हो गई हैं, और जो मेरा बाकी जो इसमें चिकन बचेगा उसको हम बगैर सीख के भी बाद में सेक सकते हैं। इसी तरह से तवे में डाल कर भी सीख जाएगा वो, और चाहें तो आप सीख में सेकें और नहीं है तो आप तवे में भी सेक सकते हैं। उसमें नहीं है ये चिकन टिक्के की सीख नहीं है आपके पास, तो आप जो है टूथपिक में भी सेक सकते हैं। टूथपिक में भी आप ये बोटी लगाकर उससे भी सेक सकते हैं, और नहीं तो आप तवे में फैला फैला कर बोटियों को अच्छे से सेक सकते हैं इसको। इसी तरह का मज़ा आएगा, कोई
वो नहीं है कि सीखो जब ही आपके सेक पाएंगे, अगर आपके पास सीख नहीं है तब भी आपका चिकन टिक्का वैसे ही बनेगा। ये चारों सीख में मैंने लगा के रखा है। अब मैं बताती हूँ कि हम गैस पे कैसे बनाएंगे। ये मैंने तवा ली, नॉन स्टिक तवा है ये, इसमें हम थोड़ा सा भी तेल डालेंगे तो हमारा ये जो 3 किलो चिकन है ये 4 चम्मच हम इसमें अगर तेल डालेंगे तो वो 4 चम्मच तेल आखिर तक हमारा बचा रहेगा और सारे हमारे टिक्के सिक जाएंगे, ये चिकन टिक्के हमारे सारे सिक जाएंगे और तेल वहीं के वहीं रहेगा, टिक्के में तेल बिल्कुल भी नहीं जाएगा, जो हमारे तवे में तेल होगा आखिर तक रहेगा वो। तो इस तरह से देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा तेल डाल के इसको सेकूँगी और सेकने के बाद आखिर तक आप देखिएगा कि तेल वहीं के वहीं रहेगा, चिकन टिक्के में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इस तरह से सारी सीखें हम लगा लेंगे, हल्का हल्का सा ऑयल और डाल दें क्योंकि ये तेल जो हमने इसमें तवे में डाला है वो एक किनारों पर पहुंच गया है, तो इस वजह से मैं हल्का सा ऊपर से डाल रही हूँ। ये 4 सीख मेरी इसमें एक तवे में आ गई हैं एक ही बार में, ये 1.5 किलो कम से कम, ये 1.5 से 2 किलो गोश्त होगा, ये एक बार में सीख जाएंगी सारी सीखें और बहुत अच्छी सीखेंगी। आप देखिएगा, देखिए आप अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि कितनी ज़बरदस्त, देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है माशाल्लाह से। इसको अलट पलट के आराम से अपने थोड़ी थोड़ी देर में इसको अलट पलट कर दें और इस तरह से सारी सीखें बहुत अच्छे से सीख जाएंगी। देखिए कितनी अच्छी सीख रही हैं माशाल्लाह से, कितने आसान तरीके से ये इसमें सीख रही हैं, कोई परेशानी नहीं हो रही सीखने में, बहुत ही आसान तरीके से ये मैंने आपको दिखाया है कितने आसानी से हमने तवे में इसमें रखा है और एक साथ हम इतना सारा सेक के दिखा रहे हैं ताकि अगर आपके यहाँ कभी ज़्यादा लोग हैं या गेस्ट आ रहे हैं तो ये नहीं कि बहुत थोड़ा थोड़ा करके हम घंटों लगे रहें, हमने एक ही बार में इतने सारे टिक्के जो हैं एक साथ हम सेक के और सर्व कर सकते हैं। बहुत से लोग घबराते हैं कि नहीं बहुत टाइम लगेगा, बहुत देर लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसानी से ये सारा ये जो टिक्के हैं ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 15 से 20 मिनट में सारे टिक्के मेरे ही सीख जाएंगे। ये 3 किलो जो मेरा चिकन है वो 15 से 20 मिनट में सब तैयार हो जाएगा। देखिए कितने ज़बरदस्त सीख के तैयार हो रहे हैं, आप ही के सामने मैं ये दिखा रही हूँ, मैंने स्किप नहीं की है वीडियो को, जिस तरह से ये सीख रहे हैं इस तरह से मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ। ये अलट पलट कर मैंने बहुत अच्छे से इसको सेक लिया है, सारे टिक्के मेरे ये सीख चुके हैं। अब ये मैंने गैस जलाई है, अब गैस के ऊपर हम जो है इसको इस तरह से इसकी लौ में सेकेंगे, जो इसकी लौ होती है इसकी गैस की, इस तरह से इसकी लौ में सेकेंगे ताकि ये बिल्कुल तंदूरी टिक्के वाला बिल्कुल वही इसके अंदर फ्लेवर आएगा, वही खुशबू आएगी। तो इस तरह से हम जो है थोड़ी देर के लिए इसको आग पे सेकेंगे, बहुत आराम से 2 सीखें पकड़ लें आप और 2 सीखें इस तरह से इसको बस इस तरह से सेक के निकाल लें। ये सारे टिक्के मैंने सेक लिए, आपको दिखाया किस तरह से मैंने गैस के ऊपर सेके, अब मैं इसको सर्व करूँगी। आप चाहें तो प्लेट में निकाल के भी सर्व कर सकते हैं, आप चाहें तो सीख के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये सीख के साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं तो इसी तरह से मैं सर्व कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त बन के मेरे ये चिकन टिक्का तैयार हुए हैं माशाल्लाह से। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सलाखों को पूरा दिखाओ इस तरह से, जो सलाखें आगे ऐसे ऐसे दिखाओ। ये पिल्ली आगे घूम आ गई, नीचे डाल दिया। नहीं नहीं आई अभी।